अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की गवर्नमेंट सेक्टर की एमबीबीएस की फिफ्थ मेरिट लिस्ट के हवाले से। फिफ्थ मेरिट लिस्ट जो है वो कब लगने के चांसेस हैं और उसके हवाले से जो है हमारे पास जो है मेरिट जो है वो कितना रहने के चांसेस हैं क्लोजिंग मेरिट, और उसमें जो है कितने स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेंगे, और शीज़ुल अफकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लिस्टें हैं वो उस पर क्या इफेक्ट डालेंगी, तो उस हवाले से इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो है इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की गवर्नमेंट एमबीबीएस 2023 की फिफ्थ मेरिट लिस्ट के हवाले से, तो हमारे पास जो फोर्थ मेरिट लिस्ट थी वो 6 या 7 जो जनवरी थी उसको जो है वो हमारे पास जो है लगी थी। तो एक हफ्ते बाद यानी जो है हमारे पास जो है 12 या 13 जनवरी को जो है वो हमारे पास नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो लगने के चांसेज हैं फिफ्थ मेरिट लिस्ट। और इसमें अगर हम फोर्थ मेरिट लिस्ट के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो क्लोजिंग रैंक था वो 3187 था एमबीबीएस का, और उसमें हमारे पास जो मेरिट था वो 91.19 यहाँ पर जो था वो हमारे पास जो है क्लोजिंग मेरिट था डीजी खान मेडिकल कॉलेज का। और अब हम देखें हमारे पास जो है शीज़ुल अफकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लिस्टें हैं वो हमारे पास जो है क्या फैक्ट डालेंगी। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2 कॉलेज हैं जिनमें हमारे पास FMC यानी फेडरल मेडिकल कॉलेज है, तो इसमें, और दूसरा हमारे पास शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर जो है वो हमारे पास, उसके वाले से अगर हम बात करें FMC में हमारे पास जो है टोटल जो है वो 9 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो आज मेरिट लिस्ट लगी है। और शीज़ुल अफकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, शेख खलीफा बिन जैद मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें, तो उसमें हमारे पास जो है 7 स्टूडेंट जो है पंजाब के कोटा से जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह जो है वो टोटल 16 स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की लिस्टों से ही निकल कर जो है वो शीज़ुल अफकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गए होंगे। तो ये 16 स्टूडेंट्स भी जो हैं जो सीटें इनके छोड़ने से जो है वेकेंट हुई होंगी वो भी फिफ्थ मेरिट लिस्ट में जो है वो फिल होने के चांसेज हैं। तो इस तरह जो है 16 ये और जो है तकरीबन जो है वो टोटल 20 से 25 के करीब जो है स्टूडेंट जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट में हमारे पास जो है नए आने के चांसेस। यहाँ पर अगर हम बात करें फिफ्थ मेरिट लिस्ट की UHS की फिफ्थ लिस्ट की, तो उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो तकरीबन जो है वो 20 से 25 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो आने के चांसेस हैं इस लिस्ट में। और जो हमारे पास मेरिट रैंक होगा वो यहाँ पर जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट लिस्ट में हमारे पास 3187 था, तो इस लिस्ट में जो है वो हमारे पास 3210 के करीब जो है वो हमारे पास जो है रैंक जाने के चांसेस हैं मेरिट रैंक। और इसके हवाले से अगर हम बात करें मेरिट के हवाले से, तो मेरिट जो होगा हमारे पास फिफ्थ मेरिट लिस्ट का वो हमारे पास जो है वो 91.18 से लेकर 91.1773 तक जो है वो रहने के चांसेस हैं। तो इतना मेरिट जो है वो क्लोजिंग मेरिट हमारे पास फिफ्थ मेरिट लिस्ट का हो सकता है, 20 से 25 स्टूडेंट मिनिमम आने के चांसेस हैं अगर शीज़ुल अफकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्टों से जो सीटें खाली हुई हैं वो फिल होती हैं तो। और रैंक जो है वो 3200 से ऊपर यानी 3210 के करीब जो है वो रहने के चांसेज हैं। तो दोस्तों, ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन फिफ्थ मेरिट लिस्ट के मेरिट प्रेडिक्शन के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की गवर्नमेंट सेक्टर की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब